सो है गाइस, आई एम निखिल शर्मा एंड यू आर नाउ वॉचिंग फिटनेस फ्रीक निखिल। सो आज के व्लॉग में मैं अभी आया हूँ अपनी ग्राउंड में और सोचा है कि नहाने जाएं। दो तीन दोस्त आ रहे हैं और भी, और एक और बंदा आया मेरे साथ, तो चलते हैं, देखते हैं क्या प्लान रहता है आगे का। जहाँ पे भी चलेंगे आपको तो बता देंगे। सो ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं अभी। सो गाइज, अभी तक मैं यहीं पे बैठा हूँ, जिन्होंने आना है वो नहीं आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे थे तो गाड़ी का हो गया टायर पंचर। सो वही सीन है, अभी तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये देख लो, पीछे ग्राउंड है, दिखाते हैं आपको ग्राउंड थोड़ी सी, और उसके बाद जब भी वो फ़ोन करते हैं आते हैं तो चलते हैं उनके पास ही। और बस यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूँ, इतना अच्छा है कि यहाँ पे छांव है, धूप नहीं है, ऊपर पेड़ है ना ये। सो ठीक है, फिर देखते हैं, उनको फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि कब तक आ रहे हो तुम लोग। सो यहाँ पर मैं हूँ, यह ग्राउंड है हमारी, ये देख लो आप, और यहीं पे मैं बैठा हूँ। ये देख लो, ये पेड़ है जिसके नीचे बैठा हूँ मैं। सो अभी तक तो वो आए नहीं है, मैं भी यहाँ पे बोर ही हो रहा हूँ, साथ में मामू का लड़का भी आया है। सो गाइज, अभी मैं और वंश यहाँ पे बैठे हैं। सो बस वेट करने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उनका भी टायर पंचर हो गया तो मजबूरी है उनकी, नहीं तो वो जल्दी आ रहे थे। धूप भी काफ़ी हो रखी है और बड़ी मुश्किल से घर से निकले थे। टाइम तो मैंने उनको दिया था कि तुम 1:30 से पहले आ जाइयो, बट नहीं आ पाए वो। अब पंचर वगैरह लगवाएंगे और आएंगे उनके साथ। एक तो अश्विता है जो मेरा क्लासमेट है, दो और बंदे हैं, मिलवाएंगे उनके साथ। बस अब जल्दी से वो आएँ, चले उनके पास सीधे ही। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको वहीं पर। फाइनली गाइज, हम यहाँ से निकल रहे हैं अब ग्राउंड से, तो धूप के लिए तौलिया वगैरह लिया क्योंकि टी शर्ट डाली है, फुल बाजू नहीं है। सो अभी वंश गया पीछे, मेरा कवर रह गया था वहीं पे। सो बस निकल रहे हैं यहाँ से, धूप काफ़ी ज़्यादा, स्क्रीन में भी कुछ नहीं दिख रहा है, ये मैं हर बार कहता हूँ, क्या करें, फ़ोन ही थोड़ा ऐसे ही है, स्क्रीन में दिखता ही नहीं है, इसमें कुछ ब्राइटनेस इसकी बड़ी कम होती है। सो वो भी आ रहे हैं, तो सीन ये है कि वो भी पैदल आ रहे हैं, मतलब कोई, अबे क्या कर रहे हैं भाई, अरे तो ये पकड़। तो सीन ये है कि वो भी आ रहे हैं पैदल, क्योंकि वो इस साइड नहीं, वो जेडी वाली साइड से आए, तो वहाँ से गाड़ी तो आएगी नहीं, उन्होंने गाड़ी लाई है, तो पैदल आएंगे, वो भी टाइम तो लग जाएगा। और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखी है आज यार, मतलब मौसम का भी कोई सही मौसम नहीं हो रहा आजकल। जिस दिन मतलब कई बार ज़्यादा बारिश हो जाती है और कई बार ज़्यादा धूप हो जाती है, क्या करें भाई, मतलब ज़िंदगी ख़राब है। चलो अब वैसे नहाते हैं, अच्छी करते हैं, थोड़ी ठंडी ठंडी कूल कूल करते हैं ज़िंदगी। ठीक है, फिर सीधे मिलेंगे अब जब वो आएंगे, या फिर देख लेते हैं। तो अभी मैं और वंश बिल्कुल पागलों की तरह फिर रहे हैं यहाँ पे, एंड जो भी कोई ब्लॉग्स देखेगा अगर रिश्तेदार, तो कमेंट में गालियाँ ना ही दें तो अच्छा रहेगा। मतलब गालियाँ तो नहीं देंगे, थोड़ी बहुत ही, मतलब ऐसे पर्सनल मैसेज करके ना देना, कहीं तो होते हैं कि कमेंट में नहीं बोलेंगे, नहीं रुको तुमको देखते हैं, मैं तो चक्कर लगा रहे तभी मैं जा रहे नहाने। चलो ठीक है, फिर पूछने वाले हैं जहाँ पे हमने नहाना है, वो भी पता नहीं कब तक आएंगे। कहते यार सब सीन गलत हो रखे हैं यहाँ पे, तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए भाई, ठंडे ठंडे पानी में ये मतलब भैंसें भी नहा रही हैं, सही है, ज़िंदगी तो हमारी ख़राब है जो YouTube पे ग्रो नहीं हो पा रहे, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब नहाने से मतलब है, ये देखो मज़े ले रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे सूर्य देवता भी कुछ ज़्यादा ही गर्मी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम नहाने वाले हैं। पानी दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो कुछ रिश्तेदार या कुछ भी कुछ बोलेंगे, ज़्यादा पानी में जा रहे हो तुम हैं, ये देख लो पानी, और ये सिर्फ मेरे पैर ही डूब रहे हैं यहाँ पे, इतना कम पानी है, इससे ज़्यादा पानी में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता अखनूर वगैरह में लड़कों पे मतलब संकट सा आया है, सभी डूब के मर रहे हैं। ठीक है, फिर हम इधर ही हैं अभी। सो ठीक है गाइज, मैं तो नहाने लगा हूँ, मैं और वंश, उनको अभी फ़ोन करके पूछा, बोलते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, चलिए यार चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, यहाँ पर आँखें भी नहीं खुल रही सही से। तो ठीक है, फिर मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है फिर कर दो कैमरा बंद। पानी देख लो, बिल्कुल गर्दन तक आ रहा है, और ये मैं जा रहा हूँ डुबकी लगाने, 1 2 3,
कुछ ज़्यादा गहरा पानी नहीं निकला है। ओ भाई सही है बॉस, उनको अभी लग जाएगा टाइम, और तब तक हम करते हैं यहाँ पे मज़े। नारवंच बिल्कुल थोड़े से पानी में ना आ रहे हैं, और ये मैं लेता हूँ अभी, फिर से लगाते हैं कोई डुबकी। फ़ोन तो नहीं लेंगे क्योंकि वाटर प्रूफ नहीं है रे बेड़ो। ठीक है, अब नहा रहे हो, जब वो आते हैं तो दिखा दूंगा आपको कौन कौन आ रहा है। ठीक है फिर गाइस, कर आप ही। सो गाइस यहाँ पे लोग खोलवा लेते हैं, सो अभी हम तो गर्म गर्म पानी में नहा रहे हैं, बट ठीक है बाहर से काफ़ी अच्छा है। अब और मेरा फ़ोन डुबाने के फुल वो हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब एंगल देखो भाई क्या ले रहा है, पानी देख लो आप कितना गहरा है, इतना ज़्यादा पानी में हम नहा रहे हैं। अभी देखो तुम्हें गहरा पानी दिख जाएगा, ये देख लो भाई कितना गहरा पानी में हम नहा रहे हैं। तो ठीक है फिर करो मज़ा तुम भी। सो गाइज अभी हम नहा चुके हैं और बस निकल रहे हैं घर को, और अपना व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो मैं आपको बता रहा था कि दोस्त वगैरह आ रहे हैं, वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी चले गए, तो आपको दिखा देता हूँ। वैसे वो जा रहे हैं आगे, तो मैं अभी काफ़ी पीछे हूँ क्योंकि कपड़े वगैरह लगाते थोड़ा लेट हो गया था। वंश भी अभी वहाँ पे कपड़े लगा रहा है। सो ठीक है फिर निकलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको कौन कौन आया था। ठीक है गाइज हम सब निकल रहे हैं, अश्विति यहाँ पे है और अपने सक्षम भैया, इनको तो सब जानते हैं। तो ठीक है अपने शिवा भैया भी यहाँ पे हैं, इनका सही नाम तो पता नहीं है, इंस्टा वाला नेम है। बस निकल रहे हैं यहाँ से, चलते हैं। सो ठीक है गाइज आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म। सो होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। सो ठीक है फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।